सुबह 5:30 बजे का नजारा देखो इस रिसोर्ट का। ये चमक रहा है ना, ये चमक रहा है, इसको गलत मत समझो, ये फोन की वजह से चमक रहा है, एक्चुअल में स्टेडी है, कॉमेडी लग रहा है वो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द वाइट रन रिसोर्ट हियर इन कच्छ। रन उत्सव में है हम यहाँ पे, और लुक एट दिस, ये मतलब नाम के लिए टेंट है सिर्फ, ये पसारा मत देखो, बाकी देखो लग्जरी कैंपिंग, आई मीन लग्जरी कैंपिंग क्या होता है ना, आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। लुक एट दिस, अटैच टॉयलेट्स एंड ऑल, गीजर, सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, एसी भी है टेंट में, मतलब कैंपिंग क्यों बोलते हैं इसको फिर, ये देखो छुपा के रखा हुआ है। इतना लग्जरी तो कभी मतलब एक्चुअल 3-star होटल पे भी नहीं होता बहुत सी जगह पे। बाय द वे, 5:30 बजे हम लोग रेडी है गियर अप होके, बिकॉज आपको सनराइज दिखाना है रन में जाके, और रन पहुंचने के लिए यहाँ से आधा घंटा लगता है, तो 6 बजे यहाँ से स्टार्ट करना है, तभी हम सनराइज के टाइम पे रन में पहुंचेंगे। मुझे गियर अप होना है, गियर अप होता हूँ फिर मिलता हूँ टेंट से बाहर। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पर गुजरात में एक बंजर जमीन पर कुदरत का एक नायाब करिश्मा हर साल नए सिरे से जन्म लेता है, और हर साल वो नज़ारा देखने, उस जगह को, उस हसीन अनुभव को महसूस करने दुनिया भर से लाखों लोग कच्छ की ओर आते हैं। और जब वो यहाँ से वापस जाते हैं, एक बात जरूर कह जाते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। गुड मॉर्निंग भाजी, कैसी रही नींद? हाँ सुबह सुबह सुना था जागते रहो। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स, एंड काउंटिंग किलोमीटर्स इज नाउ ऑल सेट टू एंटर द रन। चलो इट्स टाइम टू राइड, अपने को ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं। ये बस है इनका रिसोर्ट वालों का, जो बाकी गेस्ट्स को लेके जा रहा है, उनके पीछे पीछे अपने को चलना पड़ेगा। ऑल सेट टू गो फॉर सनराइज। बहुत रेयरली कोई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों एक ही जगह से दिखता है, उसमें से ये एक प्लेस इकड़ा। अच्छा तू टाइम लैप्स ना देगा अलू मैं चको तू। एक्चुअली ना यहाँ से वहाँ तक पूरे लाइन में टाइम लैप्स के लिए सबने कैमरास लगाए हुए हैं, तो कहीं पे भी कोई जाने नहीं दे रहा है, जगह ढूंढनी पड़ रही है कि अरे हाँ ये ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे खड़े रह सकते हैं। दिस इज द व्यू पॉइंट दैट हैव क्रिएटेड। ऊपर जाके भी आप देख सकते हो सनराइज सनसेट, दैट इज द बेस्ट, उस तरफ सनसेट होगा। सारा है।
time to leave from here now. Sunrise के लिए जो आए थे यहाँ पे, क्या beautiful place है यार, क्या बनाया इन्होंने. मतलब इन्होंने तो सिर्फ रास्ता और वो व्यू पॉइंट बनाया, बाकी सब तो कुदरत का करिश्मा है. Look at this, दोनों तरफ जितना देखो पूरा फ्लैट, पूरा सफ़ेद. अमेजिंग, इट लुक सो ब्यूटिफुल. रेगुलरली विजिटेड प्लेसेस है जो सारे वीडियोस में आपको देखने मिलते हैं, उससे अलग कुछ तो आज देखने मिलेगा ऐसा आप होप कर सकते हो. मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्ट शेड्यूल और आइटिनरी आज का क्या होने वाला है, तो सस्पेंस फैक्टर, सरप्राइज फैक्टर इस व्लॉग में आखिर तक बना रहेगा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि हम आज क्या कर रहे हैं. सुबह 6 बजे जहाँ से बाइक निकाली थी, अभी फिर से वहीं से बाइक निकाल रहा हूँ दोपहर के 2:30 बजे. क्या धूप है, खतरनाक गर्म हो रहा है. जैसे ही हम रन में से निकले, उसके बाद वापस होटल पे आए, ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट के बाद रूम में जाके फ्रेश हुए, नहा धो के आराम करके फिर लंच के लिए गैदर हुए, और लंच होने के बाद जब एक्चुअल में नींद आ रही है, अभी शूट के लिए बाहर निकलना है. हे भगवान बचा लो. बाय द वे, कल रात को आते वक्त मैं ये आपको दिखाने वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो कुछ दिखा नहीं पाया. बट दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ रन उत्सव. इट्स सो ब्यूटिफुली मेड. यहाँ पे अंदर सब वो टेंट सिटी का जितने भी टेंट्स हैं ना, वो इसके अंदर है. रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि पूरा रास्ता जाम हो गया है, हर कोई स्टक एक ही जगह पे. राइट ऑफ वे इज फॉर यू गाइस. पिछले आधे घंटे से ऐसे धूल से भरे हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं, चल नहीं रहे, उड़ा रहे गाड़ी. और वो फोटोग्राफर लोग कार में बैठ के मजे ले रहे हैं, वहां से ऊट पटांग एंगल्स में फोटोज ले रहे, वीडियोस ले रहे. वो देखो कैसे सोया है मस्त पीछे. एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है. ए भाई, गलती से भी अगर प्रियंका होती ना यहाँ पे, तो अब तक हम लोग यू टर्न मार चुके होते. एक तो रास्ता ऐसा है उसमें पूरा सुनसान है, वो ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमारा ग्रुप चल रहा है. सुनसान सड़क पे बस हम दो लोग गाड़ी भगा रहे हैं अभी फ़िलहाल, पिछले ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से, क्योंकि जो कार्स हमारे साथ है उसमें से एक कार का टायर पंक्चर हो गया. उसका एक टायर कल रात को भी पंक्चर हुआ था, तो स्टेपनी भी अभी नहीं था उनके पास, तो मैं और श्रवण भाई हम रुक गए थे, बाकी सब लोग को आगे भेज दिया, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो वीडियो शूट का, वो आज के दिन में कंप्लीट करना है अंधेरा होने से पहले, तो बाकी सबको वो वीडियोग्राफी वाले टीम के साथ आगे भेज दिया. और पंक्चर तो रिपेयर नहीं हो पाया बिकॉज इट वॉज अ बिग कट. तो फिर मोटुल का जो इन्फ्लेटर फोम आता है ना, वो डाला उसमें, उससे एटलीस्ट चलाने लायक तो वो इन्फ्लेट हो गया. वो लोग पीछे चले गए पंक्चर की शॉप ढूंढने के लिए, मतलब रिपेयर की. और फिर मैं और श्रवण भाई हम निकले भी बाकी टीम को कैचअप करने के लिए. बाय द वे, द प्लेस वी आर हेडिंग टू इज कॉल्ड एज छारी धांड. छारी धांड मतलब एक लेक है वहाँ पे, जो इसको लेक को सिंधी लैंग्वेज में धांड बोलते हैं या धंड ऐसा कुछ. तो अभी वो जो लोकल एक है हमारे साथ, उन्होंने बताया बिकॉज अंटिल 1971 ये नॉर्थ कच्छ का एरिया जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था, तो पाकिस्तान का जो सिंध पार्ट है वही का कल्चर यहाँ पे भी है. दैट्स अभी वहाँ पे जो होने वाला था वो तो आपने देखा, लेकिन उसके बाद अभी वहाँ पे एक अंकल ने बोला कि ये लेफ्ट लेके आगे से राइट साइड में कच्चे रास्ते पे उतर जाओ, और वो कच्चा रास्ता आपको सीधा सीधा लेके जाएगा
दंड पे। अभी पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, तो मैंने खाली जियो ट्रैकर ऑन कर दिया है सो दैट जो रूट हम ले रहे हैं वो मार्क होता जाएगा, और अगर हम नहीं पहुँच पाए तो वापसी में हमें वो रूट मिलेगा देखने को जहाँ से हम गए हैं अंदर, तो हम भटक नहीं जाएंगे जंगल में। I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso. Add it up, I'm just doing me. Everything is on me, oh you matter what. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm backed up. Keep it real, I do this once a month. तो ये था आज का ऑफ रोडिंग, और देखो तो क्या प्लेस है। लुक एट द रोड, कम से कम 5-6 किलोमीटर तक सीधा का सीधा है, दोनों तरफ पूरी बंजर ज़मीन, कुछ भी नहीं है। वैसे अभी सनसेट होने से पहले और भी कुछ शॉट्स लेने हैं उनको, ड्रोन शॉट्स इस रोड पे, आज की शाम गुजरात टूरिज्म के नाम। जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है उसके बाद देखेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो अपने लिए शूट करेंगे। सनसेट के वीडियोस तो नहीं शूट कर पाया आज, क्योंकि सनसेट होने तक वो ड्रोन फुटेज वगैरह सब चल रहा था, और उनका जितना भी रिक्वायर्ड ड्रोन फुटेज है वो आज ही अभी लेना ज़रूरी था, क्योंकि कल सुबह यहाँ से निकलना है हमें, शेड्यूल इज़ एंडिंग टुडे, तो वो सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद ऐसे ही चलते चलते मुझे मिरर में जब सूरज दिखा, मैंने आई लिटरली जंप्ड ऑफ द बाइक, मतलब रोड साइड में जैसे तैसे खड़ी की उतरा, बोला अभी फ़ोटो लेना है। और जो फ़ोटोज़ मिला है सनसेट के, क्या बताऊं क्यों, देखो फोटोज देखो, ये वो सच एन अमेजिंग साइट। लेकिन फिलहाल के लिए अपने को अभी वापस ये 15-20 किलोमीटर का कच्चा रास्ता करके जाना है वापस। आज का भी अपना स्टे जो है वाइट रन रिसोर्ट में ही है। एक्चुअली वाइट रन रिसोर्ट का प्रॉपर्टी टूर भी मैंने आपको ठीक से कराया नहीं है, पिछले व्लॉग में मैंने सिर्फ आपको झलक दिखाई थी रिसोर्ट की। तो अभी रिसोर्ट में पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद मैं आपको पूरे प्रॉपर्टी के टूर कराता हूं, क्योंकि दिन में वो सब दिखाने में मज़ा नहीं था, रात में जब सब लाइट्स लगते हैं ना तभी उसका असली मज़ा है। पहली बार वो टेंट सिटी पैदल घूमने के बाद और भी हालत ख़राब हो गई थी। एक तो वो ऑफ रोड की वजह से टायर्ड फील हो रहा था, उसके बाद वो चले ना इतना पूरा बॉडी जाम हो गई थी पूरी, मतलब आई वॉज नॉट इवन फीलिंग लाइक हैविंग डिनर। लेकिन फिर भी जैसे ही बाइक पर से उतरे वैसे वहीं पर डिनर किया, और बाद में रूम में आया। रूम में आने के बाद मैंने आपको बोला तो था कि ये भी होटल का ये वाइट रन रिसोर्ट का प्रॉपर्टी टूर आपको कराऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी टूर तो छोड़ो, मुझे तो चलने की भी हालत नहीं थी। तो आया रूम में, सो गया, वैसे ही ड्रेस भी चेंज नहीं किया,
पर ये सुबह उठने के बाद आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। अभी 7 बजे उठा था, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस आए एंड नाउ इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हियर। अभी 11:30 बजे चेकआउट करना है, तो फिर एक बार सब पिटारा भरने के लिए बैठा हूँ। तो मैं भी ये सब काम कर लेता हूँ क्योंकि पूरा बैग जो खाली किया था अभी पूरा वापस भरना है, तो बहुत टाइम जाएगा इसमें। और आज हम यहाँ से निकल के वापस वडोदरा जाने वाले हैं और कल वडोदरा से मुंबई मतलब कर्जत। तो यहाँ से कर्जत तक का जो जर्नी है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रहेगी कि परसों आते वक्त शाम को सनसेट के बाद जो हमने 50-60 किलोमीटर राइड किया ना, जब मैंने आपको बोला था 2 ब्लॉक्स पहले कि डायरेक्टली ये 60 किलोमीटर जंप करेंगे और रिसोर्ट पे मिलेंगे, लेकिन वो 60 किलोमीटर्स में जो पैच था ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स सीधा रोड था और दोनों साइड में पूरे फ्लैट्स, मतलब जो धुंधला धुंधला दिख रहा था ना अंधेरे में, उसमें ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत अच्छी जगह है। तो अभी जाते वक्त वो सब आपको देखने मिलेगा और होपफुली वहाँ पे ड्रोन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे शॉट्स मिल ही पाऊंगा। अभी अगर 11:30 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 500 किलोमीटर का जर्नी मतलब वडोदरा पहुँचने पे भी लेट नाइट होने ही वाला है। बट एनी विच वेज टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू रीच कर्जत, क्योंकि अभी आपको ये व्लॉग तो लेट देखने मिलेगा लेकिन आज की तारीख है 12th of February, सो 13th की रात को मुझे कर्जत पहुँचना ही है, बिकॉज 13-14 वैलेंटाइंस डे का अपने कैंप साइट पे शूनडेन पे फुल हाउस है, वैलेंटाइंस डे सब मनाते हैं ना, तो उसके लिए पहुंचना ज़रूरी है। लेकिन ये 2 दिन का पूरा जर्नी आपको अगले व्लॉग में देखने मिलेगा। अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।